तो फ्रेंड्स देखो, मैंने अपनी आर एक्सटेंडेड की जाली जो है कटवा दी थी। पीछे से मैंने आपको दिखाई थी जो स्टॉक होती है, और ये पीछे से कटिंग करवा कर मैंने इसमें पाइप लगा दिया था। तो इसकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा, बहुत लाउड है इसका साउंड, देख सकते हो आप। तो मैंने एक और भी है मेरे पास, ये देखो, ये मैंने कटवा रखी है। इसका साउंड मुझे सही लग रहा है, इसका तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे राजदूत स्टार्ट हो रही हो। तो अपनी ये लगाएंगे वापस हम इसको। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें जाली लगा दी है, चलिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुना, स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये है इसकी जाली। तो फ्रेंड्स देखा आपने उसकी आवाज़ कितनी लाउड थी। तो वापस हम इसको लगाते हैं, और फिर लगाने के बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं। चलिए लगाते हैं इसको। इसमें मैंने देखो, आप देख सकते हो मैंने इसमें टेप लगाई है, प्लस मैंने इसमें कॉटन लगाया है, वूल लगाई है जिसमें शीशा मिक्स होता है, उससे इसकी आवाज़ और अच्छी आती है। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी कॉटन और डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉटन है, वो ये देखिए, ये कॉटन है। तो ये हम इसके अंदर ऐसे भर देंगे, और ये देखिए इसको ऐसे भर देंगे पूरे में, तो और आवाज़ प्यारी आवाज़ आएगी, बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। चलिए मैं इसको कटिंग करता हूँ, फिर इसको इसमें डालते हैं। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार तरह की जाली हैं। पहली जो है, जो स्टॉक कंडीशन RX-135 की है, इसके अंदर दो डिब्बी होती हैं, दो वाशर लगी होती हैं बंद, एक आगे और आप देख सकते हैं एक बिल्कुल उसके पीछे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है RX-100 की, जिसमें तीन जाली होती हैं, देखो आप देखते हो पूरी खाली है, इसमें एक वाशर लगी होगी सिर्फ आगे आगे, जो कि यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ लगी हुई है, पीछे से खाली होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कस्टम है जो हमने पाइप लगाया था, जिसकी आपको आवाज़ सुनाई थी, बहुत लाउड आवाज़ है इसकी, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप। और एक ये है जो मैंने काट के बना रखी है, इसकी आवाज़ भी ठीक है। तो आपको मैंने इसकी आवाज़ तो सुना दी, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। को तो इसकी आवाज़ अच्छी लग रही है, जो कि RX-135 की है।